वोटर आईडी को आधार से जोड़ने का काम 1 अगस्त से शुरू हो गया है। मतदाता सूची में अपना नाम आधार संख्या से लिंकिंग एंड ऑथेंटिकेशन की शुरुआत झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने की। इस मौके पर के रवि कुमार ने खुद का आधार मतदाता सूची में लिंक करने के लिए प्रपत्र 6B में अपना आवेदन संबंधित BLO को सौंपा। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी मतदाता अपने BLO से या खुद से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वोटर आईडी को आधार से जोड़ देने के बाद इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता है। पहले उसके लिए फॉर्म 6 में एक पार्ट करता हूँ। आज एक कमीशन का निर्देश के द्वारा एक महत्वपूर्ण काम शुरू किया जा रहा है, वो वोटर का ऑथेंटिकेशन आधार का माध्यम से किया जा रहा है। जनरली कोई शिकायत आती है डुप्लीकेट वोटर है, एक ही आदमी का नाम दो जगह पर है, दो तीन कॉन्स्टिट्यूंस में है, दूसरा शिफ्टिंग करके एक नया जगह जाने पर उनका वोट में नाम वोट लिस्ट मतदाता सूची में नाम दर्ज करने में दिक्कत हो रही है। ये सभी समस्या का दूर करने के लिए अभी नया कानून पारित हुई थी दिसंबर 2021 में, इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2021 के अनुसार